नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। आज फिर से आपके लिए रीजनिंग का एक और सेशन लेकर आया हूं। सेशन रहेगा लीनियर रो पजल पर, बट विद ब्लड रिलेशन ट्विस्ट। मतलब आपको एक लीनियर रो की अरेंजमेंट दी जाएगी जिसके अंदर ब्लड रिलेशन का एलिमेंट भी डाला गया है। तो अच्छा लेवल का पजल है ये। पजल आपका लास्ट ईयर के जो RRBPO मेंस का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया पजल है। जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट सेशन से अब RRBPO मेंस वाला जो पेपर है वो डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है। सिक्स्थ जो आपका सेशन था उसमें पहला जो सेट मैंने लिया वो RRBPO मेंस ही लिया था। अब नेक्स्ट वाले में भी मैंने RRBPO मेंस ही लिया। तो आपने देखा नहीं तो पहले जाके आप देख सकते हैं। इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी अब मैंने बना दी है, वो आप जाके अगर देखना चाहें सारे वीडियोस तो उस पर जाके देख सकते। तो चलिए, अभी एक सवाल आपके सामने आएगा। सवाल के लिए वही मैं बोलूंगा, 4 से 5 मिनट का समय दीजिए, ठीक, खुद से अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद आके मेरा सोल्यूशन देखिए। तो चलिए, सवाल आपके सामने है, पॉज कर लीजिए, 5 मिनट का खुद को समय देंगे और उसके बाद फिर आके मेरा सोल्यूशन देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे। 7 मेंबर्स फ्रॉम द सेम फैमिली, और सातों लोगों का नाम दिया है, आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। तो बेसिकली एक स्ट्रेट आपकी रो है, लीनियर रो है, जिसमें सात लोग बैठे हुए हैं और सभी के सभी क्या है, नॉर्थ फेसिंग है और एक ही फैमिली के सातों मेंबर है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ब्लड रिलेशन का भी एलिमेंट इसके अंदर होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। जी सिट्स थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड। अब ये सारी मैं चीजें पढ़ू इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। जब भी आपके किसी भी सिटिंग अरेंजमेंट में ब्लड रिलेशन के साथ पूछा जाए तो मैं जनरली ये कोशिश करता हूं कि पहले मैं ब्लड रिलेशन वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लूं। मतलब फैमिली ट्री जैसे हम बनाते हैं, आपको जैसे पता है ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हम फैमिली ट्री बनाते हैं, तो पहले हम फैमिली ट्री बना लें और उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट करें तो ज्यादा बेटर रहता है। वैसे तो आप सिटिंग अरेंजमेंट भी पहले कर सकते हैं अगर चाहें तो, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चंस, पर मेरी अप्रोच जनरली यही रहती है कि मैं पहले ब्लड रिलेशन की कंप्लीट करता हूं। तो ठीक है, तो इसमें भी वही करूंगा मैं, पहले इस तरफ ब्लड रिलेशन की जो फैमिली ट्री है वो कंप्लीट करूंगा। अब आपको क्या बताया गया, सात लोग हैं और सातों के सातों एक ही फैमिली से हैं, तो हो सकता है कि कई जगहों पे जो गैप्स है हमें खुद की इमेजिनेशन से, खुद की इंस्टिंक्ट से फॉलो करना पड़े, तो ये प्रैक्टिस भी आपकी होनी चाहिए। देखिए कैसे, एम इज एन इमीडिएट नेबर, नहीं स्टार्टिंग से करते हैं यहां से। जीज मदर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। जीज मदर मतलब जी की कोई मदर है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन काम आती है। तो आप ऐसे ऊपर करके रख देंगे कि जी की कोई मदर है, ठीक है, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन लिखते रहेंगे। एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जीज मदर, एम इमीडिएट नेबर है जीज के मदर का, ठीक है, अभी भी ठीक है। देर आर टू पर्सन बिटवीन एम एंड बी, जीज वाइफ, जी के वाइफ भी है, मतलब जी खुद क्या है, जी प्लस है और उसके कोई ना कोई वाइफ है, ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या क्या है, देर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन जीज वाइफ एंड डीज फादर। अब चलिए एक और आ चुका है आपके, डीज फादर, डी के कोई पिता है, ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी से, ठीक है, राइट ऑफ जीज वाइफ, जीज वाइफ ऑलरेडी। देर आर टू पीपल सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एल, एम इज बीज ग्रैंड मदर, सॉरी ग्रैंड फादर, ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे दी है तो एक बार इसको अलग से यहां पर यूज कर लेते हैं। एम इज बीज ग्रैंड फादर, तो बी को यहां मान लेते हैं, इसके फादर होंगे और उसके भी फादर जो है वो कौन है, एम है, ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, प्लस कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको थोड़ा सा अलग अलग लिख लेते हैं जिससे कि बाद में हम यूज कर लेंगे एक साथ। एल्स डॉटर सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल, अब एल की कोई डॉटर है वो कहां पर रहती है, इमीडिएट राइट पे, तो एल है और एल की कोई ना कोई डॉटर है, ठीक है। वी इज द ओनली सन ऑफ डी, वी डी का ओनली सन है, तो यहां पर काफी क्लैरिटी आ रही है, एक जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और ये आ गई आपकी थर्ड जनरेशन, और 7 मेंबर्स थे और 7 मेंबर्स है तो आपको क्लियरली समझ आ ही रहा है कि 3 जनरेशन से ज्यादा तो नहीं है, इसका मतलब 3 जनरेशन तो है, थर्ड जनरेशन आपकी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन है, और वी क्या है, ओनली सन है, तो वी आ जाएगा आपका प्लस। बी इज अ मेल पर्सन, बी क्या है, मेल पर्सन है, तो ये भी आ गया प्लस। अब आप अच्छे से नोट करें, इन दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटी है, फर्स्ट सेकेंड और ये आ गया आपका थर्ड, इन दोनों को कंपेयर करके आप काफी चीजें कंपेयर कर पाएंगे।
दोनों सेम फैमिली मेंबर्स है, दोनों में तीन तीन जनरेशन्स हैं, तो तीनों जनरेशन्स को आप क्या करेंगे अब कंपेयर करेंगे। तो चलिए कैसे कंपेयर करेंगे, पहली जनरेशन पे प्लस आ रहा है और यहां पे एम प्लस आ रहा है, तो अच्छे चांस है कि ये एम प्लस और एम दोनों क्या है सेम है। दूसरे में यहां पर डी आ रहा है और यहां पर प्लस आ रहा है, पर यहां पर डी के नीचे वी पर लिखते हुए इन्होंने बोला है कि डी का एकमात्र सन वी है, मतलब डी का सन बी तो नहीं हो सकता, इसका मतलब डी बी के नीचे तो नहीं है, पर ये जरूर हो सकता है कि डी और ये प्लस आपस में कोई ना कोई रिलेशन हो, भाई का हो या भाई बहन का हो, जो भी हो, पर कुछ ना कुछ रिश्ता है इसमें सेट हो सकता है, कोई ना कोई रिलेशन आपका यहाँ पर बैठ सकता है। तो अब अपने क्या करेंगे, एक मिनट के लिए मैं यहां पर भी थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ जिससे अच्छे से अपने कर सके। तो सबसे ऊपर तो आपको प्लस और माइनस, ये फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे प्लस दिख रहा है, तो ऊपर वाले को प्लस को एक बार रखिए, ऊपर प्लस और ये जो माइनस है इसको एक बार रखिए। फिर उसके नीचे से एक तो आ रही है आपके पास, दो चीजें आ रही है, एक तो जी प्लस आ रहा है, जी प्लस कहाँ से आ रहा है सर, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, ये जी प्लस आ रहा है, इसकी कोई वाइफ है जिसका अभी तक पता नहीं चला है। अब अच्छे चांस ये है कि जो डी है उसका भाई, डी का हमें जेंडर पता चल गया, एक मिनट रुकिए, डी का जेंडर अगर पता चल चुका होगा तो फिर कोई नहीं होगा प्रॉब्लम। जीज मदर, डी का जेंडर अभी तक नहीं पता, तो डी को अभी होल्ड पर रखिए, इसका जेंडर नहीं लिखेंगे। डी का एकमात्र बेटा वी प्लस है, तभी तो हमें पता चला कि जो ये बी है ये डी का बेटा नहीं है, वो असली में किसका बेटा है, जी का बेटा है। कैसे पता किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों जनरेशन लिख दी थी, और उसके बाद थोड़ा सा हमें अपना खुद की इमेजिनेशन, खुद का दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है, एनालाइज करने की जरूरत पड़ती है, तो उससे पता चला कि ये बी प्लस जी के नीचे आ सकता है, डी वी के। अब डी का अभी तक जेंडर नहीं पता, भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, और इन दोनों के ऊपर ये एक जनरेशन और थी, तो वो दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे, क्योंकि ये क्या है, भाई बहन या भाई भाई जो भी है। अब इस तरफ जी की एक वाइफ भी है जो यहां से पता चला था। अब हमारे पास लोग कौन कौन रह गए हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन रह गई है, जल्दी से वो देख लेते हैं। अब इसके ऊपर भी यहां पर जहां पे जी लिखा है वहां पे आपने ऊपर क्या लिखा था, एम लिखा है, तो यहां पर क्या कर दीजिए, एम सेट कर दीजिए। अब आपके पास दो जगह बचती है, एक तो एम की वाइफ और किसकी वाइफ, आपकी जी की वाइफ, देख लेते हैं जल्दी से और क्या क्या दिया हुआ है। एल्स डॉटर, हाँ जी, एल्स डॉटर, एल की डॉटर। अब यहां पर तो अगर एल को रखते तो एल की कोई, यहां पर एल को रखे तो कोई डॉटर यहां पर तो आती नहीं है, हाँ अगर यहां पर रखे तो एल की डॉटर आ सकती है, कौन आ सकती है, डी, बिल्कुल एल की डॉटर आ सकती है, क्योंकि डी का अभी तक जेंडर नहीं पता था, यहां तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि तो यहां पर तो बी था और बी हमें ऑलरेडी पता था कि प्लस ही है और किसी का नहीं पता था, ठीक है, तो यहां पर एल आ गया, यहां पर एल आ गया, तो यहां पर ऑटोमेटिकली जो आपका बचा हुआ है क्यू वो ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा ब्लड रिलेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे आपका ही जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसे। तो चलिए दो केसेस मैं पहले ही बना लेता हूँ, क्योंकि जनरली दो केसेस की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये इसको बोल दूंगा मैं फर्स्ट केस, इसको बोल दूंगा मैं सेकेंड केस। तो स्टार्ट करते हैं यहां से, जी सिट्स थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड से तीसरे पे बैठता है जी, एक दो तीसरा यहां पे बैठ गया जी, एक दो तीसरा यहां पर बैठ गया, दो केसेस होंगे दोनों एक्सट्रीम एंड से। जीज मदर, जी की मदर कौन हुई, एल, एल सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, एल जी से सेकेंड राइट पे बैठती है, एक दो एल यहां बैठ गया, एक दो एल यहां बैठ गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जीज मदर, जी की मदर कौन है, एल है, एल किसकी इमीडिएट नेबर है, एम की, एल इमीडिएट नेबर है एम के, और कुछ भी है क्या, देर आर टू पर्सन बिटवीन एम एंड बी, और एम और बी के बीच में दो व्यक्ति आते हैं, ठीक है, सेकेंड केस में तो एम यहीं पे बैठेगा और दो व्यक्ति बीच में आते हैं, तो एक दो व्यक्ति आए और यहां पर आपका बी आ जाता है, ठीक है, यहां पर बी वही सीन रहेगा, एम को हम यहां पर सेट कर देते हैं, दो व्यक्ति एक दो, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, बी। अब पर आप एम को यहां पर भी सेट कर सकते थे, एम को पर अगर आप यहां सेट करते तो एक दो का गैप आता और बी को आप यहां बिठाते, पर यहां तो बी बैठ ही नहीं पाता क्योंकि ऑलरेडी जी है, तो सिर्फ ये केस पॉसिबल है। आगे बढ़े, चलिए, जीज वाइफ सिट्स टू द इमीजिएट राइट ऑफ बी, जी की जो वाइफ है, जी की वाइफ कौन है, क्यू, वो बी के इमीजिएट राइट पे बैठती है, तो क्यू आ जाएगा आपका इमीजिएट राइट पे, यहां पर आ जाएगा क्यू इमीजिएट राइट पे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। There is only one person between G's wife and D's father. अब G's wife कौन है, Q, और D का father कौन है, M. तो Q और M के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठता है, Q और M के बीच में बिल्कुल एक ही व्यक्ति है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। The number of people sitting to the left of D. D के जितने लेफ्ट बैठे हैं सेम एज द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ G's wife. अब G's के G's wife कौन है, Q. Q के
राइट में कितने जने बैठे हैं इसमें, एक दो तीन चार पांच बैठे हैं, तो डी के लेफ्ट में भी पांच बैठने चाहिए, एक दो तीन चार पांच, तो डी आ जाएगा यहां पर वही, क्योंकि क्यू के राइट में कितने बैठे हैं, एक दो तीन, तो लेफ्ट में भी इतने ही बैठने चाहिए किसके, डी के, एक दो, पर यहां पर तो ऐसा माहौल बन ही नहीं पा रहा बिल्कुल, आप डी को सेट ही नहीं कर पा रहे, लेफ्ट में कितने हैं, क्यू के राइट में तीन है तो डी के लेफ्ट में भी तीन होने चाहिए, तो एक दो तीन डी को तो यहां होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है, ये वाला केस इसी इंफॉर्मेशन से एलिमिनेट हो गया, ये आपका ट्रू केस आ गया है। चलिए सारे आपने फिल कर ही दिए, सिर्फ एक ही इंसान बचा है, कौन सा है वो, वीवी, ऑटोमेटिकली आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपकी अरेंजमेंट क्लियर हो जाएगी, बाकी आप आगे पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं, क्यू सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एल, बिल्कुल लेफ्ट ऑफ एल ही है, देर आर टू पीपल सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एल, क्यू और एल के बीच में दो लोग बैठते हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं, एल्स डॉटर सिट टू द इमीजिएट राइट ऑफ एल, एल की जो डॉटर है वो डी, वो इमीजिएट राइट पर ही बैठी है एल से, ठीक है, वी इज द ओनली, ये सारी, तो ये आपका पूरा का पूरा अरेंजमेंट कंप्लीट है। तो इस तरह से आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो तो प्लेलिस्ट भी फॉलो कीजिए, मैं और भी वीडियोज आपके लिए रेगुलरली लाता रहूंगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट डे।